वैसे बेहतरीन है कि सेंटीमीटर्स में हाइट लें। मेरा मेरी 173 हाइट है, तो उसमें से 100 निकाल दें, 73 मेरा वेट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरम राठौर। आज से मैं आपको पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात से मुलाकात करवाऊंगी। जैसे कि अभी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं नसरुल्ला राणा साहब। आज से हम इनसे फ़िटनेस ट्रेनिंग के बारे में पूछेंगे। पाकिस्तान में यहाँ पे फ़िटनेस ट्रेनिंग के हवाले से इनको पाकिस्तान ट्रेनर एज अ गुरु माना जाता है, तो पूछते हैं इनसे कि इन्हें क्या क्या मुश्किलात आईं और इन्होंने क्या किन किन चीज़ों को फ़ेस किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको कैसे ये ख्याल आया कि आप एज अ ट्रेनर जो है इस चीज़ को करें, और आपने पाकिस्तान में नाम बनाया, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? दस गुड, मैं बेसिकली मैराथन का कोच था पाकिस्तान में, 97 में पाकिस्तान के रिकॉर्ड भी मेरी कोचिंग में हुए, तो मुझे कॉन्सेप्ट वहाँ से ये क्लियर हो गया था कि जो ज़्यादा फिट है वो ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैं वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते करते बाकी स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया 2007 में, तो मुझे बुरी तरह से ये इदराक हुआ कि पाकिस्तान में सारे कोच फिटनेस पर जोर देते हैं, स्किल यूनिट कोच का काम होता है, कोच का काम फिटनेस कराना नहीं है। फ़िटनेस खिलाड़ी की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, फ़िटनेस की अवेयरनेस खिलाड़ी को होनी चाहिए। तो वहाँ से फिर मुझे ये इदराक हुआ कि मैंने किस तरह कौम को लेके अवेयरनेस कैसे फैलानी है। फिर मैंने उस पर पाकिस्तान स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन बनाई, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान की जितनी स्पोर्ट्स हैं, खासकर अभी मैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ भी फ़िटनेस कोच हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में खिलाड़ी अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, लेकिन उसको ये बात सिखानी समझानी पड़ेगी। तो ये उसकी बुनियाद है मेरे इस काम में आने की, कि खिलाड़ी जो है वो कोचिंग जो है ना उसका कोच उसको देगा और फिटनेस वो खुद करेगा, तो तब इम्प्रूवमेंट्स आनी है। नहीं, अगर लाइक जैसे बाहर कंट्रीज़ में, मैं खुद एक प्लेयर हूँ, अब बाहर के कंट्रीज़ में जैसा कि आपको पता है उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो आपको क्या डिफरेंस लगा है लाइक पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में, क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंस था? देखिए, हर सारी कौमों ने अपने वसाइल के अंदर रह के परफॉर्म करना होता है। अगर हम इस चीज़ को ज़िद बना लेंगे कि हमने इंग्लैंड मॉडल पे या अमेरिकन मॉडल पे हमारा खिलाड़ी ट्रेनिंग करे, तो ये नाइंसाफ़ी है खिलाड़ी के साथ में, ये सिस्टम के साथ नाइंसाफ़ी है। हमने खिलाड़ी को सिर्फ ये अवेयरनेस दे दी है कि तुम जितना बेटा खाते हो ना उतना तो ट्रेनिंग करो ना, तो हमें ये नहीं पता कि हमने कितनी फूड खानी है, कितनी ट्रेनिंग के अगेंस्ट। अगर ट्रेनिंग हमने 5 माइल की है या 2 घंटे की है, तो हमें ये ही नहीं पता कि हमारी कैलोरीज कितनी बर्न हो चुकी हैं उसके अंदर। तो खिलाड़ी को ये चीज़ समझानी कि उसके अंदर ऑयल यानी कि उसके अंदर फूड कितना जाना चाहिए, कितनी ट्रेनिंग के अगेंस्ट। अगर आपको खाना थोड़ा मिलता है तो थोड़ी ट्रेनिंग ज़रूर करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब कैंप से निकलते हैं या जब हम किसी ऑर्गेनाइज इवेंट से बाहर जाते हैं, तो हम जाके स्पोर्ट्स को या फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, और ये वो बड़ा एक समझ लें बहुत बड़ा डैमेज है। हमारी पीरियडाइजेशन नहीं है, 3 साल 5 साल 7 साल के पीरियडाइजेशन के पीरियड बनते हैं, जिनमें खिलाड़ी का रेस्ट शेड्यूल वही होता है जो ट्रेनिंग के दौरान होता है। तो हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम लोग बच्चों को अन अवेयर भी रखते हैं, और दूसरा नुकसान ये करते हैं कि हम उनको रेगुलराइज समझाते नहीं है। जब मैं सपोज़ आपका मैं ट्रेनर हूँ, तो जब तक आप स्पोर्ट्स करोगे यू हैव टू बी फिट। अब फिटनेस का लेवल ऊपर नीचे जा सकता है कि अगर आपकी फूड अच्छा है, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आपको अच्छी ट्रेनिंग कराऊंगा, नहीं तो ज़ीरो नहीं होने दूंगा। हम ज़ीरो पे जाते हैं फिर आते हैं, ज़ीरो पे जाते हैं फिर आते हैं, तो वो जो ग्राफ यूं यूं जाना है ना, वो नहीं हम बना पा रहे। तो आपको क्या लगता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में कोई फ़िटनेस ट्रेनिंग का कोई डिफरेंस होता है या सेम ट्रेनिंग होती है दोनों? नहीं, डेफिनेटली 1/10 का डिफरेंस है। मेल में 10 गुना ज़्यादा ताकत होती है उस लिहाज से। हमारे गैजेट्स आप देख लें, हमारे इक्विपमेंट्स देख लें स्पोर्ट्स के, तो फीमेल के ग्राउंड भी छोटे हैं बहुत सारी गेम्स में, और बहुत सारी गेम्स में उनकी इक्विपमेंट भी लाइटर है। तो ये डिपेंड करता है गेम की स्किल के ऊपर और उसकी जहाँ पे ज़्यादा मतलब भी बहुत सारी इवेंट्स में लड़कियाँ भी मैराथन में भी हिस्सा ले रही हैं, तो डिपेंड करता है जहाँ जो जिसको सूट करता है उसके हिसाब से। लेकिन डेफिनेटली इसमें फूड में डिफरेंस है, वो एक लंबी कहानी है, आपको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगा। लेकिन ये कि ये एक पूरा टॉपिक है, मतलब ये नहीं है कि मैं उसको एक छोटा सा समराइज कर दूं, ये नहीं हो सकता। लेकिन डिफरेंसेस हैं, जो जेंडर डिफरेंस है वो तो है, उसको एड्रेस करना। मैं चाहता हूँ कि आप फीमेल ट्रेनर बनो, मैं क्यों ट्रेनिंग कराऊँ? हमारी सोसाइटी में मेल और फीमेल का ये डिफरेंस जो है, इसने प्रॉब्लम खड़ा किया हुआ, तो वाई लड़कियाँ क्यों ट्रेनर नहीं है? कोई नहीं सोच रहा इस बात के ऊपर, मैं सोच रहा हूँ। मैं आपको ट्रेनर जितने कहोगे आप मुझसे ट्रेनर प्रोड्यूस कर लें लड़कियाँ, फिर लड़कियाँ लड़कियों को ट्रेनिंग कराएंगी तो मामला तो आसान हो जाएंगे, वेरी सिंपल। और घर वाले भी इजाज़त देंगे कि भाई बेटा वहाँ ट्रेनर फीमेल आ जाओ, तो ये टेंशन तो ख़त्म करें ना हम लोग।
तो आपको क्या लगता है कि गर्ल्स को पाकिस्तान में एज अ ट्रेनर इजाज़त मिल जाती है फैमिलीज़ की तरफ से? जब उसको खेलने की इजाज़त मिल जाती है तो ट्रेनर भी तो बन सकती है ना। मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं कि पाकिस्तान में लोग फिट क्यों नहीं है ज़्यादा? बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको आपके इस फोरम से बताऊं, आपने जितने लोग भी मुझे सुनते हैं ये बात एड्रेस करें, स्पोर्ट्स किस लिए होती है? स्पोर्ट्स होती है हेल्थ के लिए। हम लोग एज अ नेशन हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं। हम ज़्यादा खा के, बेतुका खा के, बेटाइमा खा के, यानी हमारा कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, तो हम तो कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी भी शेप अप रहे, हम अच्छे रहें, एक्टिविटी भी कोई नहीं करनी। तो हेल्थ कॉन्शियस होना ही सबसे बड़ी टेंशन है इस कॉम की। आप हेल्थ कॉन्शियस करें लोगों को, लोग क्या करेंगे? एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी में क्या होगा? या वॉक होगी, जॉग होगी, रनिंग होगी, स्पोर्ट्स होगी, और क्या करेंगे वो? तो इस बेसिक थिंग हमें, हम लोग उन लोगों को हमने हेल्थ कॉन्शियस बना। अच्छा, मुझे मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी कि एक आम बंदा जो है वो ख़ुद को कैसे फ़िज़िकल फ़िट रख सकता है? यस, इसको आसान भी बनाएं, जो मैंने पहले कहा अभी भी कहूंगा कि आप लोगों को बताएं भी, इंसान की फ़िटनेस का सबसे बड़ा तल्लक उसकी शेप से नहीं है, उसकी शक्ल कैसी है, उसका ढांचा कैसा है। अमेरिका में मैं था तो ओबेसिटी लेवल दुनिया में सबसे ज़्यादा 30% उनका है। लेकिन उनका मोटा पहाड़ भी चढ़ जाता है, हमारा मोटा जहाँ सुबह पड़े शाम को वहीं से उठाना पड़ता है। तो ये ट्रेजेडी है। तो आप कार्डियो जो है ना, इसको ठीक रखें, 5 मिनट से लेके या 20 मिनट घंटा आप हफ्ते में दे लें दिल, ठीक है। कार्डियो अपना अच्छा रखें, आपको सांस नहीं फूलना चाहिए, आपको दिल की धड़कन बजे एकदम तेज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी एक्टिविटी रोज़ाना 20 मिनट के करीब आप किया करें रोज़ाना तो बहुत अच्छी है, नहीं तो कम से कम 20 मिनट हफ्ते में ही कर लें, 5 मिनट करके कर कम से कम पे आ गया हूँ मैं कि किसी तरीके से लोग मोबिलाइज हो जाएं। लेकिन 20 मिनट वेरी एक्यूरेट है, 20 मिनट आप कार्डियो को दें, कार्डियो इज़ एवरीथिंग। तो क्या समझते हैं बेस्ट टाइम कौन सा है, एक्सरसाइज किस टाइम पर हमें करनी चाहिए? जो लाइक अर्ली मॉर्निंग करनी चाहिए, मिड नाइट करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए? बेस्ट टाइम जो है ना जी ट्रेनिंग करने का, ये पाकिस्तानी माहौल में बता रहा हूँ आपको, खाने के 2 से 3 घंटे बाद, या खाने के 2-3 घंटे बाद, या खाने से पहले, जब आपके पेट में बल्क ना हो, आपका बॉडी हैवी ना हो रही हो, तो आप उस कंफर्टेबिलिटी को समझ लें। ये वेरी करता है हर इंसान के साथ। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सी लेडीज़ कॉन्शियस होती हैं, लाइक उन फैट्स उनमें बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो वो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कर सकते हैं? ईटिंग हैबिट्स, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, ईटिंग हैबिट्स बेहतर करें, मोबालाइज हों, एक्टिविटी करें, कुछ ना कुछ, लथार्जिक ना हो। तो ये एक वजह थोड़ी है, मतलब आपको आपकी वजह और है मोटा होने की, दूसरी की और है, तीसरी की और है, चौथी की और है। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने जो पहले बताई कि हेल्थ कॉन्शियस नहीं। आपको पता हो कि ये वेट आपके साथ करता क्या है, मैं आपको इसका छोटा सा मकसद समझा दूँ। मेरा वेट है 78, मुझे 78 वेट ही चाहिए मेरी हाइट के हिसाब से। अब अगर ये 84 है ना, तो 6 kg वेट मैं रोज़ाना लेके चलता फिरता हूँ एक्स्ट्रा, तो वो मेरे घुटनों को भी डैमेज करेगा, मेरे टखनों को भी डैमेज करेगा, मुझे वो बॉडी में प्रॉब्लम्स भी पैदा करेगा। आप 6 kg का पत्थर उठाएं ना हाथ में और सारे दिन एक दिन चल के देखें, आपको पता लगेगा कितना नुकसान देता है ये, कितनी कितनी टेंशनें पैदा करता है आपके लिए। तो वो चूँकि हम ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे होते हैं, तो हमारा सिस्टमेटिकली हम इंप्रूव भी कर रहे होते हैं, जिस समय उसकी मुदाफ़त भी आ रही होती है। लेकिन एक वक्त आता है कि यही जो वेट होते हैं, यही जो हमारा, ये हमारे लिए मुसीबत बनना शुरू हो जाता है। तो हमें अपनी बॉडी के हिसाब से हमारे वेट होने चाहिए, और आराम से ये चार्ट मिल जाते हैं, नेट से आप देख सकते हैं। वैसे बेहतरीन है कि सेंटीमीटर्स में हाइट लें, मेरा मेरी 173 हाइट है, तो उसमें से 100 निकाल दें, 73 मेरा वेट होना चाहिए। मतलब 184 है किसी की हाइट है, तो उसमें से 100 निकाल दें, 84 उसका वेट होना चाहिए। ये सिंपलेस्ट वे है वेट को समझने का। ये थे हमारे साथ नसरुल्ला राणा साहब। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से बहुत सारी मालूमात दी। इसी तरह मालूमात आपको मज़ीद मिलती रहेंगी। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।